में हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं जिनको कहते हैं भाष्य। शंकरा भाष्य, रामानुजाचार्य भाष्य, माधवा भाष्य। भाष्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन है कमेंट्री। शंकरा भाष्य, आदि शंकराचार्य ने जो कमेंट्री दी, एक ऐसे ग्रंथ हैं जो ओरिजिनल ग्रंथ को समझाते हैं। जैसे उपनिषद से, उपनिषद को सीधा समझना बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, वो क्रिप्टिक है। लेकिन थिंकर्स ने, आदि शंकराचार्य ने और उन्होंने उन पे कमेंट्री लिखी, उनको कहते हैं शंकरा भाष्य। नाउ भाष्य जो है वो बड़े सम्माननीय, बहुत सम्मान, रेवरेंस बहुत, और इतना ज्यादा रेवरेंस है कि ओरिजिनल टेक्स्ट से ज्यादा भाष्य की वैल्यू ज्यादा होने लगी। अब हुआ क्या है जी, संत ऋषि मुनि हमें समझाने की कोशिश करते, कभी बता के, कभी समझा के, कभी बहला के, कभी डरा के। मकसद है कि हम इस नींद से जागे, मकसद यह है कि हम इस मोह की नींद से जागे। दैट्स ओनली पर्पस। उसके लिए तरीका अलग अलग अपनाया जाता है। अब ये भाष्य आए कैसे, इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनका आज क्या विचार हो गया? देखिए, ओरिजिनल जो तुम्हारे पास टेक्स्ट है वो ओम था। जैसे मैंने बताया, ओम ओरिजिनल नाम पे आया, ओम से ब्रह्मन आया, ब्रह्मन से फिर महावाक्य आए, महावाक्य, चार महावाक्य आए सबसे पहले, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूं, चार ऐसे महावाक्य आए, पहला अयम आत्मा ब्रह्म, दूसरा प्रज्ञानम ब्रह्मम, सबसे पहला प्रज्ञानम ब्रह्मम, दूसरा अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा तत्त्वमसि और चौथा अहम ब्रह्मस्मि। ये चार महावाक्य हुए। अब इन चार महावाक्यों को एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद बने। तो सबसे पहले ओम आया, ओम को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए नाम बदले गए, ब्रह्मन आत्मन आए, फिर चार महावाक्य दिए गए, अफोरिज्म कहते हैं उसे, इंग्लिश में उसे अफोरिज्म कहते हैं। उन चार महावाक्यों को डिटेल करने के लिए, डिटेल में लेने के लिए उपनिषद बने गए। एक्चुअल में उपनिषदों में है, लेकिन उपनिषदों में उसको डिटेल में दिया गया। अब उपनिषदों को समझाने के लिए, एसेंस की कमेंट्री के लिए, उपनिषद को निचोड़ जो कहा है, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसुधीर भोक्ता। सारे उपनिषद गाय की तरह, गीता जी दूध है। तो उपनिषद को समझाने के लिए गीता जी आए। तो पहले जो ओम से बात समझ आ गई, उसको जब सेकंड जनरेशन आई तो ओम को समझाना सक्षम नहीं हुआ, तो फिर चार महावाक्य आए। चार महावाक्य जब समझना मुश्किल हुआ तो उपनिषद बने। उपनिषद को भी जब कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो गीता जी आई। अब शंकराचार्य ने गीता जी को एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट बनाया, महाभारत का एक हिस्सा था, और उस इंडिपेंडेंट टेक्स्ट के अंदर उन्होंने शंकरा ने, आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता की कमेंट्री करी। इसे भाष्य कहते। ये भाष्य उस समय समझ आ गए क्योंकि उस समय की भाषा में थे। अब उस शंकरा भाष्य को समझने के लिए हमें भाष्य चाहिए। To understand the Shankara Bhashya, you need another commentary. और होते 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 क्या हो गया कि लोगों ने
ओरिजिनल टेक्स्ट को तो भूल गए और कमेंट्री की कमेंट्री की कमेंट्री की कमेंट्रियों में अटके हुए। ये तो वही बात हुई सर, आपके स्कूल की टेक्स्ट है, स्कूल की आपकी टेक्स्ट है, और स्कूल के उस टेक्स्ट के अंदर आपको रेफरेंस बुक दी गई है, नोटबुक या गाइड मिली। गाइड आपको बुक इसलिए मिली ताकि वो मेन टेक्स्ट को समझने की हेल्प हो। अब मेन टेक्स्ट हम पढ़ ही नहीं रहे और उस गाइड को ही रट्टे मारे जा रहे हैं, होगा क्या? हम विशाल बुद्धि में उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा मॉडर्न कमेंट्रेटर की जरूरत जल्दी पड़ती है क्योंकि वो आज के संदर्भ में लिखता है। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर भाष्य है लेकिन हम समझ नहीं आता क्योंकि उनकी एक लैंग्वेज संस्कृताइज्ड क्रिप्टिक है और उस समय के सोशल कल्चरल रिलीजियस बिहेवियर से, उस समय जो उन्होंने धर्म लिख दिया उसका मतलब एक ही है सनातन धर्म। आज हम धर्म के करोड़ों मतलब निकाल सकते हैं। शंकराचार्य में यदि कोई बात लिखी उस समय के समाज के संदर्भ में वो बात सही थी, आज के उसका संदर्भ अलग हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप हियर इज कि कमेंट्री इंपॉर्टेंट है लेकिन वो जितनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, जितनी उस भाषा में हो जो आपको समझ आ जाए। जैसे हम जो बात बोल रहे हैं वो शुद्ध हिंदी और शुद्ध संस्कृत शुद्ध इंग्लिश में नहीं बोल रहे, हम काफी चीज मिक्स कर रहे हैं। कमेंटेटर भी हम अपनी भाषा में कई चीजों को ऐड कर रहे हैं। अब ये नया एडिशन है उस गीता जी को समझाने का। अब गीता जी को समझाने का तरीका जो हमने लिया है वो हिंग्लिश है। लैंग्वेज हमने कौन सी ली? हिंग्लिश ली। अब मीडियम कौन सा लिया है? यूट्यूब लिया, जूम लिया। अब पेपर पेन नहीं लिया, पेपर पेन भी किया लेकिन मीडियम बदला, कमेंट्री का स्टाइल बदला, हमारी लैंग्वेज बदली। सो हम सब लोग कहीं ना कहीं ये बात समझ लें कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनको पढ़िए, जरूर पढ़िए, भाष्य भी पढ़िए लेकिन भाष्य पे इतने ज्यादा निर्भर ना हो जाइए कि ओरिजिनल टेक्स्ट को दरकिनार कर दें। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में, अध्यात्म के नजरिए से देख रहा हूं मैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल चर्चा तो कर नहीं रहे, कोई फिल्मों की चर्चा तो कर नहीं रहे, लेकिन समाज को समझाने के लिए समझाना पड़ता है। आज से 10,000 साल पुराना ह्यूमन माइंड जो था वो डिफरेंट था, इन द सेंस उसकी कंसंट्रेशन पावर बड़ी स्ट्रांग थी। 5,000 साल पहले भी लोगों की जो फोकस पावर थी डिफरेंट थी, मैंने कहता अच्छी थी बुरी थी, वो डिफरेंट थी। आज जो हमारी फोकस पावर है, आपके दादा दादी की जो फोकस पावर थी वो डिफरेंट थी जो आपके और आपके बच्चे की। जो आप 40 साल एक व्यापार कर गए, नौकरी कर गए, चाहे वो तमस में हो चाहे सत्व में मुझे नहीं पता, लेकिन आप 40 साल एक नौकरी कर गए, आपके बेटे ने शायद 20 साल में दो, 40 साल में तीन नौकरियां बदली होंगी। अब देखिए वैल्यूज फोकस चेंज हो गया है, मैंने कहता गलत है सही है। आप 40 साल एक ही नौकरी करके रह गए, एक जगह ज्वाइन किया 18 साल की उम्र में और 58 की उम्र में रिटायर हो गए, never even thought of changing the job because mind comfortable था एक ही सिचुएशन में। लेकिन आपके बेटे ने शायद पिछले 40 सालों में दो तीन जॉब बदले होंगे और आपके पोते ने
शायद चार पांच बदल लिए होंगे, और घर आपका आप सोने की सीढ़ी चढ़ गए हो, अर्थात आपका परपोता भी है। और आजकल के यंगस्टर जो कॉर्पोरेट में 4-3 सालों में जॉब बदलते हैं, और सोचते हैं यदि एक जॉब में ज्यादा देर रह गए तो हमारी वैल्यू कम है, यू आर गुड फॉर नथिंग। सोचो आज जो गीता जी को समझाने का तरीका है, भाष्य है, जो आइडिया है, वो 5,000 साल पुराना आइडिया वही है, लेकिन उसको समझाने का तरीका मॉडर्न होना चाहिए। चाहे वो जूम में हो, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो लेट्स इवॉल्व में हो, किसी तरीके से। और जो उस पे उदाहरण हो, उसके जो एग्जाम्पल्स हो, उसकी जो चर्चा हो, वो कंटेम्पररी होनी चाहिए, बंधन में, लैंग्वेज के बंधन में ना होनी चाहिए। मैं कई कमेंटेटर के, शंकराभाष्य के कमेंट्री सुन रहा होता हूं, हम सरप्राइज, मुझे डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता कि कमेंट्री पे भी कमेंट्री की कमेंट्री चाहिए मुझे। इसलिए कई लोगों ने कोशिश करी उसको मॉडर्न तरीके से समझाने के लिए। एक जो मेरे गुरु जी पार्थसारथी जी की वेदांता ट्रीटाइज है, वो भी कमेंट्री है वेदांता की, लेकिन वो मॉडर्न मैथडोलॉजी है। सो लेट्स इवॉल्व में हम सब लोग, कमेंट्री की हमें जरूरत है। हम सीधा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, हम गीता जी सीधा नहीं पढ़ सकते, हमें उसका हिंदी अनुवाद चाहिए, इंग्लिश अनुवाद चाहिए, संस्कृत में सीधा समझ नहीं आता, और अनुवाद के बाद भी समझ नहीं आता, तो कमेंट्री चाहिए। कमेंट्री भी ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, सहज हो। फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं। They talk about, and I came out of the same door where I went in. Umar Khayyam. So please, bias mat ho jaiye. Kisi bhi idea ko openly, freshly, naye commentary se, naye ayam se dekhiye. Aur purani jo bhashyas hain, unko aadar satkar pura kijiye. लेकिन उसको समझने के लिए आज आपको भाष्य चाहिए, और जो आज आपको वो भाष्य को समझाने के लिए कमेंट्री चाहिए, दैट कमेंट्री हैज टू हैव ए मॉडर्न वोकैबुलरी, दैट कमेंट्री हैज टू हैव ए मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। अर्थात वो भाष्य को समझने के लिए आपको जो भाषा चाहिए, वो भाषा वो होनी चाहिए जो आप और मैं सहजता से, सरलता से समझ सके, जो शब्दों के गुंजल में न फंसाए, जो शब्दों के गुंजलों में न फंसाए, जो हमें कमेंट्री ज्यादा कंफ्यूज ना करे। इसी एक विचार के साथ कि आपके मेरे जीवन में, जीवन हमारा धन हो, हम शास्त्रों के करीब जाएं, हमारा जीवन धन हो कि हम शास्त्रों को अंगीकार करें, उनके भाष्य पढ़ें, उनकी कमेंट्री पढ़ें। लेकिन उन सब कमेंट्रियों के बाद मेन पर्पस है कि वो कमेंट्री मुझे इवॉल्व करने में सक्षम हुई कि नहीं हुई। अगर आपको इवॉल्व करने में वो कमेंट्री सक्षम हुई, तो उन भाष्यों का प्रयोजन जो था, उन भाष्यों का जो पर्पस था, वो फुलफिल हुआ। अदरवाइज आपकी बुक शेल्फ में एक और नई किताब की तरह वो कमेंट्री रह जाएगी, दिमाग में नहीं पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं, आपने गीता जी पढ़ी है या पढ़ी हुई है, तो जीवन में बसे इसी विश्वास के साथ। हरि ओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।